अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर नो और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलेसी। आज हमने जो है तहसील कहरा के उन बालाई इलाकों का दौरा किया जहाँ पर इस लॉकडाउन के दौरान भी जो है काम हो रहा है, लेकिन काम अगर हो रहा है कम से कम उसमें ईमानदारी का होना जो है लाजमी है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर जब आप पहुँचे तो यहाँ पर जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो बिल्कुल ज़ीरो मटेरियल जो है आवाम ने बताया। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है यहाँ पर कैमरा मैन से गुजारिश करता हूँ कि ये जो यहाँ पर वॉल लगाई गई है इसमें कैसा मटेरियल है। अब आप मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कम से कम जो है 6 इंच का जो है होना जो है लाजमी है, लेकिन यहाँ पर 2 ही है। और साथ साथ में आप ये साथ में यहाँ जो मटेरियल गिरा हुआ है इसकी हालत देख सकते हैं, ये जो है बिल्कुल विद इन डेज जो है ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल इसके अंदर जो है आप जो है खालिश बजरी का इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट का नहीं। आप बने रहे हैं कश्मीर नाव के साथ, पूरी अपडेट पहुंचाते रहे। पिलर बरन राइट। अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि ये क्रेट जो है आगे सड़क का किनारा जो ले रहे हैं, हालांकि इस क्रेट को जो है 5 दिन हो गए हैं बनाए हुए। 5 दिन के अंदर जो है इस क्रेट का जो है घिसकना जो है शुरू हो चुका है। आप देखिए कि किस तरह से ऊपर जो मलबा जो आया है, स्लाइड आई है, उसने जो है क्रेट को आगे खींचा है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। यहाँ की आवाम ने बताया है कि यहाँ पर जो जेई हजरात हैं वो साल में कहीं यहाँ दिखते नहीं, और यहाँ पर जो ठेकेदार हजरात हैं वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इधर का दौरा किया, यहाँ का दौरा किया। देखो बिलास साहब, अभी लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पे, हर जगह पे काम बंद है, हर चीज़ का काम बंद है। यहाँ पे अभी काम चल रहा है, चालू काम है अभी। देखो सर, अगर बिलास साहब काम चल रहा है तो फिर काम अच्छे से करना है, कम से कम लोगों का भी सोचना है, अभी आगे का सोचना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने काम किया, अभी मटेरियल बहुत कम डालते हैं अभी, मतलब जैसे कि अगर इन्होंने एक ट्रैक्टर बजरी डाली, रेत डाली, तो उसमें कम से कम 2 बैग सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, मुश्किल से 2 बैग या 3 बैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है ये ज़्यादा दिन टिकेगा, मतलब अभी जहाँ पे इन्होंने काम किया है तो अभी 5-10 दिन हो गए बिलाल साहब, तो आप देख सकते हो। क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर बुलाया था, किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को? देखो हमने पहले भी बुलाया यहाँ पे, तो हमें यहाँ के जो जई है वो हमें दिखे नहीं 1 साल से, और दिखे नहीं, उनका कोई पता ही नहीं कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, काम का कोई क्लियर नहीं है उनका। उसके बाद हमने बुलाया भी था उनको एक दो बार, तो दिखे नहीं अच्छी तरह से। जहाँ अगर आए भी वो तो उनने इस पर कोई जोर नहीं किया, उनसे कहा नहीं कि ऐसा काम करो, आप वैसा करो, तो देख के चले गए वो। शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर दिखाए, यहाँ पर फाउंडेशन जो है, इससे पहले जो है सीमेंट का इस्तेमाल, यानी बेड एक तरह का होता है इसमें, उसका लगाना जो है लाजमी है। लेकिन काफ़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर जो है खालिस मिट्टी के जो है यहाँ पर फाउंडेशन बनाई गई। यहाँ से ऊपर जो है इनका जो वाल है ये स्टार्ट होती है खालिस यहाँ तक, और मुझे लगता है 4 से 5 फुट की लंबाई भी नहीं है इसकी, और इसका जो है कम से कम मेजरमेंट जो है काफ़ी लंबा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी न इसका बेड है, न इसकी फाउंडेशन मुकम्मल तौर पर है, न ही इसका कोई जो है जिस हिसाब से जो है महकमा इस काम को कराता है वो कभी भी यहाँ नहीं दिखता है।